उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होने वाली। पेपर लीक की वजह से ये परीक्षा रद्द हो चुकी थी और इसके बाद अब फिलहाल नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त ये 5 तारीखें जब परीक्षा होगी। पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था मजबूरन और अब नई तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। जो सिपाही भर्ती रद्द कर दी गई थी क्योंकि ये जो एग्जाम है वो आउट हो गया था, परीक्षा रद्द हो गई थी, अब नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। नई तारीखें आपको हम बता दें तो नई तारीखें हैं 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त, ये नई तारीखें। तो अगस्त महीने में परीक्षा होने वाली है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी। पेपर लीक की वजह से ये जो परीक्षा है वो रद्द हो गई थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई तारीखों का ऐलान अब कर दिया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा रद्द हो गई थी, अब नई जो तारीखें हैं वो सामने आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश कुमार हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अवनीश, फिलहाल जो ताज़ा तारीखें हैं वो अब सामने आ चुके हैं, क्या ताज़ा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही तय कर लिया था कि 6 महीने के अंदर जो है पुलिस भर्ती परीक्षा फिर से कराई जाएगी और यही वजह है कि अब तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23, 24, 25 और 31, ये जो है तारीख रखा गया है और जो तारीख है उस दिन दो पालियों में परीक्षा होगी। एक पाली में 5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे और इसी को लेकर पूरे जो नियम हैं वो बना दिए गए हैं। जो परीक्षा केंद्र हैं वो तय कर लिए गए हैं और किसी भी तरीके से जो पेपर लीक का कानून है वो इस परीक्षा पर लागू रहेगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से ये परीक्षा कराई जानी है। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, शासन की है, तमाम जो अफसर इसमें लगे रहेंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी 23, 24, 25 और 30, 31 को पूरी शासन की निगाह जो है इस भर्ती परीक्षा पर रहेगी। दो पालियों में जब परीक्षा होगी तो अभ्यर्थियों को तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जो अभ्यर्थी एक जिले से दूसरे जिले में जाकर परीक्षा देगा वह उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करेगा। अभ्यर्थियों को अपने 2 एडमिट कार्ड रखने होंगे, एक जाते समय उसको जमा करना होगा और उसके बाद परीक्षा देने के बाद जब घर लौटेगा तब उसको देना होगा, ताकि जो निःशुल्क यात्रा है वो अभ्यर्थी कर सके, उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं जो पेपर लीक का मामला आया था उसमें तमाम जो माफिया लगे थे उन पर भी निगाह रखी जाएगी, एसटीएफ सक्रिय रहेगी कि किसी प्रकार की परीक्षा में गड़बड़ी न हो। शुक्रिया जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।